तो हम लोग अभी ऐसे जगह में पहुंच गए हैं जहां से हम लोग जा सकते हैं डाल्टनगंज महुआ डार चालपुर। तो आज हम जा रहे हैं बांसुरी घाटी की ओर और इस जगह को हमें कमेंट के द्वारा अमरजीत उराव ने सजेस्ट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुमला में नए होने के कारण हमें यहाँ के लोकेशन के बारे में अपना आइडिया नहीं है, तो आप लोग हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं अच्छी अच्छी जगह ताकि हम वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकें हमारे गुमला शहर को। तो फिलहाल है हम लोग बांसुरी घाटी में और यहाँ से नज़ारा मैं दिखाती हूँ, क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है। Just looking like a wow. तो फिलहाल हम लोग घूमते फिरते पहुंच गए हैं एक खूबसूरत और मस्त शानदार हाहाकार जगह में, मतलब देख के मजा आ गया बड़े, तो मतलब एकदम सही लग रहा है, मतलब और ज्यादा दूर भी नहीं, गुमला से वही 6 किलोमीटर था हम देखे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, तो मस्त जगह है। जो जो ये खूबसूरत जगह का नजारा का लुत्फ उठा चुके हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगता है ये जगह, और जो जो नहीं देखे हैं वो लोग जरूर से आए यहाँ देखने के लिए। ये देखिए ये है पूरा गांव नज़र आ रहा है यहाँ से मेरे फ़ोन में, अभी तो मैंने फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू किया है क्योंकि कैमरे में वैसा और क्लियर नहीं दिख रहा था, तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ही मस्त नज़ारा है, नज़ारा जंगल में हम दोनों रास्ता भी काफी चकाचक है, लेकिन वही थोड़ा छोटा रोड है और सिंगल रोड है तो थोड़ा सा मल के आना होगा, दोनों साइड से गाड़ी चलते हैं। ये बताओ ये वाला क्या पेड़ है, ये वाला? हाँ ये वाला रुको हमको याद है, चुगुल पान ना। तो फ्रेंड्स किसको किसको पता है बताइए फ्रेंड्स, ये वाला पेड़ का क्या नाम है, आप लोगों को अगर पता है तो बताइए कमेंट करके। बहुत जल्द फल आने वाले हैं और फल का कलर ग्रीन होता है शुरू में, फिर पकता है तो ब्लैक हो जाता है, इतना बता दिए, बताइए आगे आप लोग क्या। जी हाँ, और उसका अंदर का जो बीज रहता है वो भी ग्रीन रहता है, बचपन में हम लोग उस बीज को भी सुखा के उसको अंदर का छेच के अंदर का निकाल के खाते थे। मेरा आवाज गूंज रहा है ना पहाड़ में, भागना चलो जल्दी। कौन मार रहा है?